बीएड में एडमिशन लेने वाले हर कैंडिडेट को रेजिडेंस सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत है। रिक्वेस्ट आई थी कमेंट बॉक्स में कि काइंडली सर रेजिडेंस सर्टिफिकेट को बनाने की प्रक्रिया आप उस पर वीडियो बना दीजिए। तो ये जान लीजिए कि जो टोटल बीएड की सीट्स हैं उनमें उसकी दो डिविजन है, फर्स्ट पंजाब कोटा, सेकेंड इज ऑल इंडिया कोटा। पंजाब कोटे में 85% रिजर्वेशन है और जो 15% ऑल इंडिया कोटे में। पंजाब में रहने वाले स्टूडेंट्स या कैंडिडेट को पंजाब का डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए और ऑल इंडिया वाले, फॉर एग्जांपल हरियाणा का स्टूडेंट कैंडिडेट है उसको हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तो हिमाचल प्रदेश का रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए। ये सर्टिफिकेट पंजाब में कैसे बनना है, कैसे बनाना है, ये प्रक्रिया यहां से शुरू होती है। सबसे पहले ये देख लीजिए, आपने गूगल सर्च इंजन पर जाना है, जाके पंजाब punjab.gov.in यहां क्लिक कर देना है तो आपके सामने ये वेब पेज खुल जाएगा। यहां पर आएगा फॉर्म्स, आपने फॉर्म्स को क्लिक कर देना है। फॉर्म को क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आपने कौन सा फॉर्म लेना है। हमने रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाना है तो यहां पीडीएफ लिखा है, इसको टिक कर देंगे, रेजिडेंस सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। रेजिडेंस सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, डाउनलोड सक्सेस। अच्छा, हम यहाँ फोल्डर में है पड़ा हुआ, फोल्डर में होगा ये डॉक्यूमेंट में, ये रहा रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ओके, तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट का ये पेज फर्स्ट खुल गया है, हम शुरू से देखेंगे इसे। आप ये जान लीजिए कि कैसे ये फॉर्म फिल करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, टाइम कितना लगेगा, डेट जो है आपका खर्चा कितना आएगा। फर्स्ट है फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, आपने ये फिल नहीं करना, ये पोर्शन आपने छोड़ देना है इतना। इंस्ट्रक्शन है फील्ड मार्क्ड विद दिस स्टार, जहां भी स्टार लगा हुआ है वो इंफॉर्मेशन हर हालत में आपने फिल करनी है, मैंडेटरी है। पार्ट वन है, तीन पार्ट हैं इस फॉर्म के, उसके बाद और भी फॉर्म्स हैं, वो सारे फॉर्म अच्छी तरह से समझ लीजिए। फर्स्ट है पार्ट वन, पर्सनल इंफॉर्मेशन है। एक दो बातें मैं साथ में बता दूं कि कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन है जो तहसील में या सेवा केंद्र में काम कर रहे हैं उनको ये पता होगी। मैं बाद में एक नंबर भी दूंगा जिससे मैंने ये सारा लर्न किया है शख्स से, तो आप सीधी गाइडेंस भी उनसे ले सकते हैं। ओके, अगर आप फिल करने वाले आपके नहीं, आपके पापा या कोई अथॉरिटी है तो उनकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आएगी, लेकिन आप 18 साल से ऊपर हो इसलिए आपकी इंफॉर्मेशन यहां आएगी। आपका नाम फॉर एग्जांपल आ गया TIRATH तीरथ कौर, KAUR, ठीक है, बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन है। ये मेरा हो गया फीमेल, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी 20 वगैरह वगैरह वट एवर इज। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो एज, फॉर एग्जांपल 30 ईयर है, 30 ईयर आपने फिल कर देनी है। प्लेस ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल रामपुर, जो भी आपका गांव है जहां जन्म हुआ। फादर्स नेम ना, सरदार सुरिंदर सिंह। मदर्स नेम, ओके। एड्रेस पूरा बड़े अक्षरों में लिखिए, स्पष्ट होना चाहिए। पिन कोड फॉर एग्जांपल 144801 हो गया, तो ये जिला जलंधर पूरा लिखना है, आपने पूरा फिल करना है। मैरिटल स्टेटस यस और नो, स्पाउस पति, आप पत्नी हो तो पति का नाम, पति हो तो पत्नी का नाम यहां लिख देना है। आपका कॉन्टैक्ट नंबर फॉर एग्जाम्पल 84 वट एवर योर फोन नंबर इज, 84 कहीं मेरा फोन मांग रहे थे दे दो, 8427 चलो
ईमेल आईडी, ये बहुत जरूरी है बीएड में एडमिशन लेने वाले जान लें आपका व्हाट्सएप नंबर और ईमेल, क्योंकि बहुत सारा काम बीएड का भी इसी के जरिए होना है। आपके पास ईमेल आईडी अपनी पर्सनल होनी चाहिए, आपके हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर पापा की है तो अपनी बना लीजिए, उस पर एक डिफरेंट वीडियो अगर आप कहोगे बन जाएगी। ईमेल आईडी जैसे TIRATHSINGH साफ साफ लिखना है @hotmail.com। दो बातें हैं, एक तो आपको चाहिए वोटर आईडी, ये दो बातें यहां ले जाता हूं इसको, वोटर आईडी है कार्ड आपका, तो वहां वो नंबर फिल हो जाएगा जो भी आपका देख के फिल करना है। आधार नंबर, यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब होता है आपको कहीं क्वेश्चन भी आ सकता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो आधार नंबर है जहां फिल हो जाना है आपका। अगर आधार नंबर आपने अप्लाई किया हुआ है तो वो एनरोलमेंट नंबर आपको देते हैं, वो फिल यहां कर देना है, ठीक। तो ये हो गया पार्ट वन फॉर्म का। अब सेकंड पार्ट है, यहां से शुरू होता, सेकंड पार्ट में फर्स्ट इंफॉर्मेशन है सर्विस डिटेल। सर्विस मीन के आप अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट सेवा केंद्र से कलेक्ट करना चाहते हो तो ये इसको टिक कर दीजिए। अगर आप ये चाहते हो कि बाय पोस्ट आपके घर आए तो इसको टिक नहीं करना, फिर इसको टिक कर देना है, ठीक। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग ऑफिस जो आपका सेवा केंद्र होगा मोस्ट प्रोबेबली उसका नाम यहां आएगा। पीरियड ऑफ रेजिडेंस एट विच द एप्लीकेंट इज डिजायर टू गेट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कितने समय से आप वहां जिस एड्रेस पर जिसका एड्रेस आपने दिया है कितने समय से रह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर से आप रह रहे हैं, ये फिल कर दोगे। अच्छा, दूसरा है पीरियड ऑफ रेजिडेंस विच द एप्लीकेंट इज डिजायर टू गेट रेजिडेंस सर्टिफिकेट टू, जिस पते ने सर्टिफिकेट अप्लाई की गई उस पते ते रह, ये बस इतना समय लिए रहोगे, कितनी देर और रहोगे। फॉर एग्जाम्पल आप लाइफ लॉन्ग रहोगे, आपको लगता है आपका कनेडा का वीजा जब तक नहीं लगता फिर कनेडा, नहीं नहीं ये नहीं फिल करना न्यूजीलैंड का वीजा लग गया है ना जब तक, नहीं ऐसा नहीं है, लाइफ लॉन्ग रहना है, 10 साल और रहना है, 20 साल रहना है, ये आप फिल कर सकते हो, ओके। ये वाली इंफॉर्मेशन थोड़ी टेक्निकल है, मेरे पास इसकी हो सकता है राइट इंफॉर्मेशन ना हो। जिसके पास आपने तहसील या सेवा केंद्र में जाना है, वैसे मैं आपको नंबर दूंगा, तो वो ये फॉर्म फिल भी कर देते हैं, उनके फॉर्म फिल करने का 100 रुपये होता है, ये आपको फिर कुछ भी नहीं फिल करना पड़ेगा, वो कहते हैं कि फाइल तैयार कर देंगे, वो सारा कुछ ये प्रिंट निकाल के आपके जो सर्टिफिकेट देख के या इंफॉर्मेशन लेके आपका सारा फॉर्म फिल कर देंगे। अगर आप खुद फिल करना चाहते हैं, आप ईमानदार लकड़हारे हैं, तो आपको ये समझना होगा। अच्छा, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नंबर फ्रॉम सरपंच, सरपंच तो ठीक है जी, लेकिन पटवारी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। देखिए ये फॉर्म फिल करके पूरा ये फाइल पूरी तैयार हो जाएगी, जितने फॉर्म आपके फिल होने हैं, सबसे पहला काम होना है आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, 2-3 जगह आएंगे आगे पता चल जाएगा, आपके जो पेरेंट्स हैं या अथॉरिटी हैं एक दो जगह उनके सिग्नेचर होंगे। ये सिग्नेचर करने के बाद सबसे पहला काम हर हालत में, बेशक आपने खुद सर्टिफिकेट बनाना है या किसी से बनवाना है, ठीक है, 2-3 सिस्टम है बता देता हूं, तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा, अपने सिग्नेचर, अपनी घर की अथॉरिटी के सिग्नेचर और अपनी लोकल अथॉरिटी के, जिसमें आपका सरपंच, नंबरदार या काउंसलर आता है। अगर आप शहर में रहते हो तो काउंसलर से आपको सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे, गांव में रहते हो तो आपको सरपंच, नंबरदार, जो भी आपकी लोकल अथॉरिटी है उससे सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे, इतना काम आपको करना ही पड़ना है। वो जो वेरिफिकेशन, उसके बाद आपकी फाइल जाती है पटवारी और कानूनगो के पास, उनका मेन काम है कि वेरिफिकेशन करना, वो वेरिफिकेशन करके एक सर्टिफिकेट देते हैं,
वो आपको दो तीन रास्ते हैं कैसे मिलता है। वैसे अगर आप न्यूजीलैंड में रहते हो तो वो फ्री का काम है, अगर आप न्यूजीलैंड में नहीं रहते हो तो वो आगे बताता हूँ। तो वो जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जहाँ आ रही है, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नंबर जो भी जिस भी अथॉरिटी से मिला है वो लाना ही जरूरी है, यस होना चाहिए, अगर नो है तो आपका काम नहीं होगा। वेदर वेरिफिकेशन नंबर इज अटैच्ड और नो, होना भी चाहिए और यस ही आएगा। वेरिफिकेशन अथॉरिटी जो जिसके जिसने किया हुआ है, अगर आप पटवारी है जहाँ तहसीलदार है जहाँ जो भी अथॉरिटी इनमें से है उसका नाम आएगा। वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशू डेट, जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी डेट यहाँ आ जाएगी। टू होम द वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इज इशूड, किस व्यक्ति नू, फॉर एग्जाम्पल आपको किया गया है, ये मुझे पूरी क्लैरिटी नहीं है, मेरे ख्याल में आपका ही नाम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग पर्सन, जिसने वो इशू किया है आपको सर्टिफिकेट उसका नाम। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हर हालत में, फर्स्ट ये ऑप्शन दी हुई है आपको, मैंडेटरी मीन हर हालत में ये चाहिए, क्या क्या, राशन कार्ड का फर्स्ट पेज और सेकंड पेज उसकी फोटोकॉपी, एक आइडेंटिटी ये हो गई। जहां वोटर कार्ड लिखा है लेकिन वोटर कार्ड आपको पीछे भी चाहिए, इट मींस वोटर कार्ड भी आपको चाहिए। मैं सुजेस्ट कर रहा हूं कम से कम आपके पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड, ये दो चीजें होंगी, ये हर हालत में चाहिए। अगर ये नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, इनमें से कोई आइडेंटिटी आपकी हो सकती है। नेक्स्ट है सेकेंड, कॉपी ऑफ प्रूफ डेट ऑफ बर्थ की जो कॉपी है, नेक्स्ट जनरली वो 10th का सर्टिफिकेट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, अगर और कोई आपके पास सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हो। कॉपी ऑफ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम, अच्छा जो वेरीफाई हुआ है सर्टिफिकेट, पीछे बात करके आए हैं कि अथॉरिटी ने जहां पर आपके सिग्नेचर हुए थे, आपके फैमिली अथॉरिटी के हुए हैं, फिर दूसरे नंबर पर लोकल अथॉरिटी के है, फिर कानूनगो और जो पटवारी के हैं उसका, वो हर हालत में जरूरी है। ये तीन चीजें होनी ही होनी है, इसके बाद आप बिना आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। कॉपी ऑफ स्कूल सर्टिफिकेट इच्छुक है लेकिन आप जरूर लेके जाइए, 10th का सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए। एनी अदर डॉक्यूमेंट, अगर आपकी एडिशनल नॉलेज कोई डिमांड की जाती है, कोई केस ऐसा है, अदरवाइज नहीं चाहिए। नेक्स्ट है आपने सिग्नेचर करने हैं, ये सर्टिफिकेट है कि आपने ये बताया है कि मैं पिछले कितने दिनों से, 182 डे से, ये उनके लिए जो बाहर लोग जाते हैं वो जरूरी है, कम से कम आप यहाँ 12 महीने आपको हो गए हैं, 12 महीने से आप कम से कम 182 डेज इंडिया में उस स्थान पर रहे हो जहाँ का आपने सर्टिफिकेट बनवाना है, ये आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए, आपके सिग्नेचर हो गए। आपका सिग्नेचर करना, ये बात पहले भी मैंने बताई है बच्चों को, बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं, याद रखना है जब हायरार्की में सिग्नेचर होते हैं, लोअर हायरार्की में आप हो, फॉर एग्जांपल कैंडिडेट है, सबसे पहले आपने आए, फिर अगर पेरेंट्स के हैं, मम्मी पापा के हैं, फिर लोकल अथॉरिटी सरपंच नंबरदार और काउंसलर इसके हैं, फिर पटवारी कानूनगो के हैं, फिर लास्ट में अगर तहसीलदार के जिन्होंने सर्टिफिकेट देना है, तो आप बिना अपने सिग्नेचर के कभी भी फॉर्म कोई फिल करना है, कभी भी किसी अगर लेके जाते हैं तो आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए। नेक्स्ट है स्वयं घोषणा पत्र, इसमें आपने फॉर्म आपके पास ही है, आपने जस्ट दो तीन बातें फिल करनी है। नंबर एक आपका मैं, मतलब तीरथ कौर, ठीक है, टिक कर देना है, पुत्र है तो सन ऑफ आ जाएगा, पत्नी है तो वो आपके उसका नाम, स्पाउस का नाम आ जाएगा, ठीक है, अगर आप डॉटर हो पापा का नाम आ जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल सरदार सुरिंदर सिंह वासी रामपुर आपका नाम गांव का, ओके। तहसील हर हालत में, बार बार तहसील की इंफॉर्मेशन मांगी गई है, सारे फॉर्म मैंने देखे हैं, तहसील या सब तहसील आपको फिल करनी पड़ेगी, अगर आपकी सब तहसील है वो भी फिल कर सकते हो, अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट की जो पड़ती है वो भी फिल करते हो, सब तहसील आप ब्रैकेट में फिल कर सकते हो, जिला जलंधर,
ओके पूरा लिखना है। मैं उपरोक्त स्थान विच रहिंदा रहिंदी हाँ, ए स्थान पंजाब प्रांत विच है, नाबालिग लड़की। ये बात याद रखनी है, कई बार ये फॉर्म उनके लिए है, अगर आप 18 साल से छोटे हो तो यहाँ टिक होता है, लेकिन आप 18 साल से बड़े हो सारे बीएड के कैंडिडेट। सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने पहला अजिहा कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया, ठीक, मेरे विरुद्ध फौजदारी आपको क्राइम नहीं किया हुआ, ये घोषणा पत्र है, आराम से आप, मुझे पता है आप बहुत अच्छे इंडियन सिटीजन हो, आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया होगा, तो आप यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए, अंगूठे की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रेजुएट हो आप। सॉरी। अच्छा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। ये है कि उपरोक्त जो आपने इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ट्रू है, और अगर गलत सूचना होती है तो मेरे जो बेनिफिट हैं मैं ये ले रहा हूँ, मेरे से छीने जा सकते हैं, मेरे खिलाफ केस भी हो सकता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया में हो, आप सच्चे हो, इसका मतलब है आप सच्चे हो। ओके, नेक्स्ट है, डेट आ गई यहाँ, नेक्स्ट आ गया आपका पंजाब रहायशी सर्टिफिकेट जारी करन बारे। जिस अथॉरिटी ने जारी करना है वो है, मैं निम्नलिखित बिनेकार पंजाब प्रांत दे पिंड या शहर, आपका नाम आ गया जैसे रामपुर, ठीक है, तहसील आ गई, फॉर एग्जाम्पल सब तहसील करतारपुर, ओके, जिला जलंधर, ओके, मैं अपने नाबालिग लड़की, ये अगर आप ही अप्लाई कर रहे हो तो मेरे ख्याल में ये नहीं आएगा, या वहाँ फ़ोन से पूछ सकते हो, वहाँ इतना बता देंगे आपको, जो फ़ोन दूंगा उससे भी पूछ सकते हो। सर्टिफिकेट जारी करने से बीने का प्रोग, ओके, तो आप जी का विश्वास पत्र आप यहाँ अपना साइन कर दोगे, सिग्नेचर हो गए और मिति हो गई, ये हो गया, यहाँ तक इजी चल रहा है। आप ना मुझे कमेंट बॉक्स में अगर कोई फिल करने की, मुझे भी पूछ सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, सर ये वाला यहाँ क्या फिल करना है, क्योंकि मैंने आज ही उन शख्स से बात करके समझ के इसे स्टडी करके वीडियो बना के दे रहा हूँ, लेकिन मोस्टली अच्छा ये आ गया आपका रिपोर्ट पटवारी, ये देनी है, वो पटवारी जी ने ये सर्टिफिकेट आपको देना है बना के, ये पटवारी जी बोलना है। अच्छा, तहसीलदार का नाम, वो जहाँ जहाँ जो भी आपका होगा तहसीलदार का, जिला जो आपका होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ जलंधर है, प्रार्थी आपका नाम आ जाएगा, है ना, तीरथ कौर, ओके, सन ऑफ सुरिंदर सिंह, सरदार सुरिंदर सिंह, जहाँ फिर आप स्पाउस है उसका नाम, वासी आपके गांव का नाम करतारपुर, और तहसील फॉर एग्जांपल करतारपुर, जिला जलंधर, नू रहायशी सटे रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ओके, जारी करने की सिफारिश रिकमेंडेड किया जाता है। तो यहाँ पर ये है द हाईएस्ट अथॉरिटी, मैंने पीछे बताया ना हायरार्की में सबसे ऊंचे हैं, यहाँ पर ये इन्होंने लास्ट में इनके सिग्नेचर का और स्टैंप का आप एक पेज आपके पास रह जाएगा, बाकी डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये फोन नंबर है जिनसे मैंने इंफॉर्मेशन ली है, तहसील में लगे हुए हैं, ये नोट कर सकते हैं, इसके अलावा अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स से मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा, मैंने भी इनसे जानकारी लेके आपको देनी है, आप सीधा संपर्क कर सकते हो किसी भी तरह के। अच्छा, कितने दिन लगेंगे ये ज़रूरी है, अगर आप अभी से अप्लाई कर देते हैं तो आपके पैसे बच सकते हैं, अगर लेट होते हैं आपको जल्दी चाहिए, नेचुरली वो आपको एक करप्ट सिस्टम से होके गुजरना पड़ेगा। अगर आप 2 दिन में चाहते हो तो आपके इतने जय हो आपको करनी पड़ेगी इतनी ज़्यादा, अगर आप सिर्फ अपना फॉर्म फिल करते हैं लेकिन वहाँ से अप्लाई करके सर्टिफिकेट चाहते हैं कि कोई वहाँ से शख्स जो तहसीलदार में जा जो भी वहाँ टाइपिंग करने वाले जैसे होते हैं वो काम करवा दें, तो आपके 300 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, प्लस फोटो के लिए हर हालत में सेवा केंद्र में आपको खुद ही जाना पड़ेगा। तो अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा खुला टाइम है तो आप सिर्फ कुछ जय हो नहीं करना चाहते,
तो आपके 60 से 70 रुपए लगेंगे, आपको वहां जाना पड़ेगा और आपके चक्कर आप खुद ही काउंट करके मुझे भी बताना कि सर इतने चक्कर लगते हैं, तो उसके हिसाब से आप 20 से प्लस दिन लगेंगे, 1 महीना 2 महीने भी लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। 200 मैंने वैसे सिमेट्री बनाने के लिए लिख दिया। इसके अलावा आपने याद रखना है आपको फोटो कम से कम 2 चाहिए, फोटो पासपोर्ट साइज वो हर हालत में चाहिए। इसके अलावा कोई भी बीएड के लिए आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।